योगी जी कहते हैं वीआईपी कल्चर खत्म करिए, लेकिन उनके मंत्री को रहने के लिए चाहिए शीश महल। योगी सरकार के एक मंत्री धर्मपाल सिंह, जिनके आलीशान बंगले को देखकर दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे आप। कालीन कल्चर खत्म करने वाले सीएम के मंत्री के पास इतना पैसा आया कहां से? क्या सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार से सींचा जा रहा है मंत्री का बंगला? सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह का धर्म, भ्रष्टाचारियों की पैरवी करते हैं मंत्री, सीएम के आदेश को बिठेंगे पर रखते हैं मंत्री, दागी अफसरों को देते हैं सत्ता संरक्षण। भ्रष्टाचार से सींचा जा रहा मंत्री धर्मपाल का बंगला। नाम धर्मपाल लेकिन काम सुनकर चौंक पड़ेंगे आप। यूपी के सिंचाई मंत्री का विभाग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा है। नियमों को ताक पर रखना, दागी अधिकारियों को सत्ता का संरक्षण देना, दागियों को बचाना, भ्रष्टाचारियों को बचाना, मुख्यमंत्री के आदेश को भी ठेंगा दिखा देना, इस विभाग और खास तौर पर सिंचाई मंत्री का शगल बन गया है। मंत्री धर्मपाल ने दागी अधिकारियों के लिए शुरू की लॉबिंग। धर्मपाल सिंह ने वरीयता के क्रम को नजरअंदाज किया। दागियों और भ्रष्टाचारियों को दी खुली छूट। मंत्री ने दागी कुणाल कुलश्रेष्ठ की पैरवी की। भ्रष्टाचार की सिंचाई में लिप्त है कुणाल कुलश्रेष्ठ। आधा दर्जन परियोजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है उजागर। परियोजनाओं के ओवर एस्टिमेट के जरिए करोड़ों के वारे न्यारे हुए। वरिष्ठता के क्रम में भी दूसरे नंबर पर है कुणाल। मंत्री ने कुणाल को एचओडी बनाने की थी पैरवी। सीएमओ ने मंत्री की सिफारिश को कर दिया था खारिज। धर्मपाल ने की थी एके सिंह की पैरवी। वरीयता के आधार पर तीसरे नंबर पर है एके सिंह। बरेली की रामगंगा बैराज परियोजना में एके सिंह ने किया है भ्रष्टाचार। 600 करोड़ की परियोजना का बजट किया 2200 करोड़ रुपए। दागी अधिकारियों की लिस्ट में टॉप 5 में है एके सिंह। वरिष्ठतम अधिकारी को नजरअंदाज कर आयोग के लोगों को कुर्सी पर बिठाने की परंपरा शुरू कर दी गई। इस विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें अंदर तक पहुंच गई। विभाग खोखला हो रहा है और मंत्री जी के बंगले की खूब सिंचाई हो रही है। बंगला नहीं, आलिशान बंगला कहिए, शीश महल कहिए, वरना सीधे और साधारण तरीके से रहे सरकार का मुखिया और मंत्री अपने बंगले पर करे करोड़ों के वारे न्यारे। यकीन नहीं होता तो जरा इन तस्वीरों को भी देखिए, जो मंत्री जी के वीआईपी ठाट बाट की पूरी कहानी कह देगा। अंदर बड़े और महंगे फाउंटेन लगे हैं, घर के अंदर महंगे सीलिंग फैन लगाए गए, फॉल सीलिंग पर भी खूब खर्चा हुआ, मॉड्यूलर किचन घर की शोभा बढ़ा रहा है, मेन गेट को बंद कर दूसरा रास्ता बना डाला, आरसीसी की 20 फीट चौड़ी और 1 फीट मोटी रैम बना दी गई। सिर्फ रैम की लागत तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए। रैम बनवाने के लिए कैंपस में मौजूद सारे पेड़ काट डाले। दरवाजे और खिड़कियां महंगी साख और शीशम की लकड़ियों से बनाई गई। मतलब वीआईपी अशोआराम का पूरा बंदोबस्त है। और तो और, पूरा शीश महल फुल्ली सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन से लैस, महंगे दरवाजे, महंगी खिड़कियां, फर्श पर महंगे टाइल्स, पैसे पानी की तरह बहाए गए। और तो और, लोगों से मिलने के लिए 2 कमरों का नया ऑफिस तैयार हुआ। कहां से आए एक मंत्री के पास इतने पैसे? बीजेपी चाहे जितना बचाव कर ले, सवाल तो बनता है साहब। सादगी के जीवन को जी रहे हैं और अपेक्षा की है कि मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी उनकी इस अपेक्षा पर खरे उतरे और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करें, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व जो होता है उसको जनता को आदर्श प्रस्तुत करना होता है और उनकी इस अपेक्षाओं पर मंत्री महोदय काम भी कर रहे हैं। यदि कहीं कोई इस तरह की मामला आ रहा है, शिकायत आ रही है, तो उसका संज्ञान लेकर के देखेंगे कि वहां पर किसने क्या किया है। आपने जिस तरह की चर्चा की धर्मपाल जी के संदर्भ में, देखिए उनका आवास पर क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये मानकों के आधार पर होगा और इसके बारे में विस्तृत तौर पर धर्मपाल जी स्वयं। जो कल तक सपा सरकार पर सवाल उठाते थे, जो कल तक पिछली सरकार के भ्रष्टाचार को कुरेदते थे, आज उनके दामन पर जब छींटे पड़े तो पुरानी सरकार के सिपाहियों ने तलवार तान ली।
धर्मपाल सिंह वही मंत्री थे जो शायद हमेशा रेड कार्पेट पर जाकर और उनके पैर गंदे ना हो जाएं तो इंस्पेक्शन करते थे। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, वो कहते हैं सादगी की बात, लेकिन शहीदों के घर जाते हैं तो अफसर उनके लिए रेड कार्पेट लगाते हैं, एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, फिर हटा लिया जाता है वो कूलर। तो वीआईपी कल्चर कहीं गया नहीं है। रोज इनके कार्यकर्ता अफसरों से भिड़ते हैं, अधिकारियों से भिड़ते हैं। एक तरफ सादगी पसंद सीएम योगी हैं जो हर विभाग में हर स्तर पर वीआईपी कल्चर को खत्म करने के निर्देश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री उनकी सोच को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह योगी कैबिनेट का वो नाम है जो सीएम योगी के सख्त दिशा निर्देशों के बावजूद वीआईपी कल्चर का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। चाहे वो बात रेड कार्पेट पर चल के निरीक्षण करने की हो या अपने सरकारी आवास में गृह प्रवेश का मौका हो। धर्मपाल सिंह अपने सरकारी आवास में पिछले 3.5 महीने से निर्माण कार्य करा रहे हैं और जानकारों की माने तो अब तक इसमें करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं। धर्मपाल सिंह की सोच यही है कि गृह प्रवेश से पहले अपने सरकारी आवास को वीआईपी हाउस का दर्जा दिला सकें। लखनऊ से कैमरामैन मीनाज के साथ हरेंद्र चौधरी, समाचार प्लस।